ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। खबर लखनऊ से है। अखिल भारतीय कास्ट महासभा के राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने कहा कि कास्ट अब वोट बैंक के रूप में नहीं बल्कि अब तो दल कास्टों को राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित करेगा, कास्ट समाज उसी दल को मतदान करेगा। डॉक्टर इंद्रसेन ने कहा कि अखिल भारतीय कास्ट महासभा 22 प्रांतों में मजबूती से कार्य कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अखिल भारतीय कास्ट महासभा का संगठन कास्ट समाज के साथ सभी समाज के लिए काम कर रही है। डॉक्टर इंद्रसेन ने कहा कि कास्ट समाज आजादी के बाद जिसके साथ रहा सत्ता उसके साथ रही, लेकिन अब कास्ट समाज किसी दल का आंख मूंद कर समर्थन नहीं करेगा। कास्ट महासभा ने ये कास्टों की गिरती हुई खराब होती हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक राजनीतिक प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसका उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का भार उन्होंने हमको सौंपा है। मैं उसी क्रम में आज आपके बीच हूँ। कास्तों की दिनों दिन बिगड़ रही स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पर हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा है। वो हमारे वोट को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन समय आने पर वो हमारी उपेक्षा करता है। मैं वर्तमान सरकार के प्रति आपसे कहना चाहता हूँ, भारत सरकार में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक ऐसा व्यक्तित्व तो है जो अपने को कायस्थ मानता ही नहीं, लेकिन उसको कोटा भर रखा है। पंचम तल पर एक भी अधिकारी आज की तारीख में कायस्थ नहीं है। 75 जिलों में एक भी SP कायस्थ नहीं है, जबकि 20 से 25 जिलों में कायस्थ अधिकारी हुआ करता था, SP हुआ करता था। यही हालत जिलाधिकारियों की है, कहीं कोई जिलाधिकारी दिखाई नहीं देता है, 2-4-5 हो तो वो हमारी नोटिस में नहीं है। ऐसी स्थिति में कायस्थ महासभा ने ये निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में उसी दल का समर्थन करेंगे जो दल हमको प्रतिनिधित्व देगा, जो दल हमको भागीदारी देगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग जिलों में जाओ, अपनी बात अपनी बिरादरी के अपने समर्थकों को बताओ, उनसे जो फीडबैक मिलता है हमको बताइए, हम उसके अनुसार काम करेंगे। इस प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल हम लोगों के संपर्क में हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, जो हमको भागीदारी देने के लिए तैयार हैं। हम विचार कर रहे हैं कि आने वाली विधानसभा में हम उसी को अपना समर्थन देंगे जो हमको उचित भागीदारी देगा। 22 राज्यों में हमारा संगठन है, हम 12 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, लेकिन हमारा पुरुषा हाल कहीं कोई नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के 55 से 60 जिलों में निर्णायक भूमिका में हैं, जहां हम लोगों को जीता हरा सकते हैं। एक प्रश्न के जवाब में डॉक्टर इंद्रसेन ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर देश की एक बड़ी पार्टी 2 बार हम लोगों के साथ बैठकर बात कर चुकी है, जिनसे वार्ता चल रही है, सही सम्मान व स्थान मिलने पर समय पर निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो हमको समर्थन, जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हम उनके साथ जाएंगे। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।